अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 में पाक बहादुर टीम में मैच से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सानिया मिर्ज़ा की शीशा पार्लर में बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक के दरमियान भी झगड़े का आगाज़ हो गया है। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्ज़ा को भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट करार दे दिया गया। सोशल मीडिया पर भारतीय शहरी सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ फट पड़े और भारतीयों ने सानिया मिर्ज़ा को रा एजेंट करार दे दिया। वीना मलिक ने सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की वायरल वीडियो पर समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट की। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सानिया, मैं तुम्हारे बेटे के लिए फ़िक्रमंद हूँ, आपसे एक शीशा पार्लर लेकर गई, क्या ये इसके लिए ख़तरनाक नहीं? और जहाँ तक मुझे मालूम है, इस जगह पर सिर्फ जंक फूड मिलता है जो हमारे खिलाड़ियों की सेहत के लिए मुज़र है। आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि आप खुद एक माँ और एक खिलाड़ी हैं। वीना के ट्वीट के बाद सानिया मिर्ज़ा ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि वीना, मैं अपने बेटे को शीशा पार्लर लेकर नहीं गई और ये आपके या किसी का भी मसला नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जितना ख्याल रख सकती हूँ कोई और नहीं रख सकता। दूसरी बात यह कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की माहिर गज़ाइयात नहीं हूँ और ना ही इनकी माँ, प्रिंसिपल या टीचर हूँ। जैसे ये मालूम हुआ कि वो कब सोते हैं और कब उठते हैं, कब खाते हैं, आपके ख्याल का शुक्रिया, ये काबिले मायनी है। बाद में वीना ने सानिया मिर्ज़ा को करारा जवाब देते हुए अपनी ट्वीट में लिखा, खुशी हुई कि आप अपने बेटे को शीशा पार्लर लेकर नहीं गईं, और ये मैंने कहाँ लिखा कि आप पाकिस्तान टीम की माहिर गज़ाइयत या माँ हैं, मैंने बस ये कहा कि आप खुद एक खिलाड़ी हैं तो यकीनन आप जानती होंगी कि फ़िटनेस खिलाड़ियों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और आप एक रेड क्रिकेट की अहलिया भी तो हैं, आपकी इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इन दोनों स्टार के दरमियान जारी इस तकरार का इख्तिताम यहाँ नहीं हुआ। सानिया मिर्ज़ा ने वीना मलिक पर तनकीद करते हुए एक और ट्वीट में लिखा, तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की होती कि मेरे बच्चे वो मुनासिब तस्वीर को ना देखें जिस पे आप मौजूद हैं, और आप जानती हैं कि वो भी ख़तरनाक है, लेकिन आपके ख्याल में बेहद बेमायनी है। मेरे लिए ये बहुत ही काबिले मायनी है। अलबत्ता जैसे ही सानिया मिर्ज़ा के इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने वीना पर तनकीद करते हुए गलत जुमलों का इंतखाब कर लिया तो उन्होंने अपनी ट्वीट को फौरन ही डिलीट कर दिया। ताहम इसके स्क्रीनशॉट पूरे ट्वीट पर जो है वायरल हो चुके हुए हैं। वीना ने सानिया के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और अपनी ट्वीट डिलीट करते हुए करने से ग्रेज करें। खुशकिस्मती से टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इतनी कि आप लोग अपने किए अमल से इनकार नहीं कर सकते। और जिस मैगजीन कवर को आप बात कर रही हैं, इसमें मेरी तस्वीर को तब्दील करके पेश किया गया, बल्कि मैं भी वो तमाम तनाज़ा सामने ला सकती हूँ जिनका आप हिस्सा रही हैं, लेकिन मैं इस बहस का रुख नहीं मोड़ना चाहती। और झगड़े के चलते हुए सानिया मिर्ज़ा ने वीना मलिक के ट्वीट अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, जिसका स्क्रीनशॉट वीना मलिक ने शेयर भी किया। ख्याल रहे कि वर्ल्ड कप अहम मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की भारतीय टीम के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम को इसकी नाकस कारकर्दगी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। होप सो दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पा ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।